तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप अपने नए चैनल पर रियल और एक्टिव सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हो जो आपकी पूरी वीडियो भी वॉच करेंगे, जिससे आपको हेल्प होगी कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो पाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स आते हैं, किसी ऐप से या फिर पैनल से सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं, जिससे कि उनके सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो जाते हैं और वो आपकी वीडियो को पूरा भी नहीं देखते, जिससे आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। क्योंकि मैं आप सभी को यही कहता हूँ, एप्लीकेशंस पे वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि भाई वीडियो बना दो, लेकिन मैं आज आपको रियल और एक्टिव सब्सक्राइबर्स के बारे में बताऊँगा कि आप रियल और एक्टिव सब्सक्राइबर किस प्रकार से गेन कर सकते हो। भाई वो आपकी पूरी वीडियो भी देखेंगे क्योंकि वो आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस होगी। तो गाइस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इस ट्रिक पे, थोड़ी सी नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आपको 1000 सब्सक्राइबर, जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर है उनके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे चैनल बनाया, वीडियोज़ अपलोड की तो भाई ऑडियंस अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप कुछ भी नहीं आएगा। या तो आप गूगल एड्स का सहारा ले सकते हो और सब्सक्राइबर पाने के लिए, ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाए। अगर वो आपको कॉस्टली लगता है और अगर आपको वो आता नहीं है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन आज मैं आपको फ्री वाली ट्रिक बताऊंगा कि भाई 1000 सब्सक्राइबर जो रियल और एक्टिव होने वाले हैं वो किस तरह से आप गेन कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। अगर आप भी नए यूट्यूब क्रिएटर हो, आपके भी 200-300 या फिर 4-5 सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपके सब्सक्राइबर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 1900 समथिंग आपके सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं अगर आप उस ट्रिक पे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि आपको अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में वीडियो बनाओगे। सपोज आप टेक कैटेगरी में वीडियो बनाते हो तो भाई आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन उठा लेना है और टेक क्रिएटर्स, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आपको फाइंड करना है और वो आपको फाइंड करके आपको लिस्ट पे लिख लेना कि भाई आपने इतने, यानी कि 10 टेक क्रिएटर्स आपने खोज लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई उन 10 टेक क्रिएटर्स हैं जो, उनके हिसाब से जो उनकी वीडियोज़ पहली वायरल हुई है ना, उन वीडियोस पे वर्क करना है, उन्हें देखना है कि उन्होंने कौन सी कैटेगरी में वीडियो बनाई है और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कैटेगरी में उनकी वीडियोस है। सपोज एक क्रिएटर है मनोज जी या फिर टेक चैंपियन या फिर टेक्निकल योगी, इन्होंने सबसे ज़्यादा वीडियोस किस कैटेगरी में बनाई है, ये चीज़ देखिए, यानी कि कैटेगरी नहीं, किस कंटेंट में बनाई है, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है या कौन सा टॉपिक चूज़ किया उन्होंने, सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा कितनी वीडियोज़ उन पर बनाई है। सपोज उन्होंने बनाई है, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, इन पर अगर उन्होंने वीडियोज़ बनाई है तो आपको उन पर वीडियोज़ सेम बना लेनी है। और ये एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वीडियोज़ की क्वांटिटी देखनी है, टॉपिक की क्वांटिटी देखनी है, लेकिन आपको फोकस वही करनी है जो 15 दिन या 20 दिन पुरानी है, वो कंटेंट बनाना है। अब आप यही कहोगे कि भाई इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कि इससे कैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। भाई पूरी वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा। अब आपने नोटिस कर लिया मनोज जी की वीडियो को या फिर टेक्निकली योगी की वीडियो को या फिर टेक चैंपियन की वीडियो को, तो भाई अब उनके फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे, आपको भी पता है। अब आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है उनका, और इंस्टाग्राम में जब आप देखोगे एक फॉलोइंग का ऑप्शन है और एक फॉलोअर्स का, तो भाई आपको जो उन्होंने फॉलो किया हुआ है उनको नहीं फॉलो करना, क्योंकि उन्होंने तो क्रिएटर को फॉलो किया होगा, लेकिन उनको जिसने फॉलो किया हुआ है उनकी एक लिस्ट निकाल लेनी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो भाई उनसे आपको पर्सनली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप वीडियो का लिंक डाल दो और कहो कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ मेरे को चैनल सब्सक्राइब कर दो, इस तरह से कर दो। नहीं भाई, एक मेजॉरिटी बनानी है, कम्युनिकेशन बढ़ानी है। कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 500 लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ही। इस तरह से आप बहुत सारे क्रिएटर्स के 500 लोग, देखिए टाइम जरूर लगेगा लेकिन 500 लोग जब आपको मिल जाएंगे, वैसे तो मैं कहूँगा कि आप 2000 लोगों को कम्युनिकेशन बनाइए, ग्रुप बनाइए इंस्टाग्राम का। अगर आप 2000 लोगों का ग्रुप बना लेते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और उसमें वीडियो का लिंक डालते हो, वो वीडियो आपकी पूरी वॉच करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ कि ग्रुप में कभी भी आपको वीडियो नहीं शेयर करनी है। अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। आपको वीडियो का लिंक नहीं शेयर करना, अपने चैनल का लिंक शेयर करना है और उन्हें यही कहना है कि भाई
ये चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और जब वीडियो अपलोड करोगे ना तो उस ग्रुप में मैसेज करना है कि भाई मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है, किस किस ने देखी है। या तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी मंगवा सकते हो। भाई आपको सिर्फ सब्सक्राइबर करवाने हैं, और अगर मान लीजिए आपके 2000 लोगों में से 1000 सब्सक्राइबर आ भी जाते हैं, और जब आप वीडियो अपलोड करते हो और उस पर मैसेज कर देते हो कि भाई मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, क्योंकि आपको भी हम्बल होके काम करना पड़ेगा। अगर ये है कि आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना, तो आपको भी देखना पड़ेगा किसी का वीडियो उसमें जो आएगा। तो जब वो ब्राउज़र फीचर में जाएगा ना, तो जैसे ही आप देखोगे ब्राउज़र फीचर में आया, प्ले कर दिया, पूरी वीडियो देखा, हम्बल होकर देखो, ये इसमें आपकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे वाले बंदे की ईमानदारी वो कम्युनिकेशन स्किल पे है, आप किस तरह से उसे हैंडल करते हो। तो भाई जैसे ही वो पूरी वीडियो आपकी देखेगा, ऑडियंस रिटेंशन आपको मिल जाएगी। यानी कि 1000 में से अगर आपकी बात 200 या 300 लोगों ने मान ली व्यूज़ के मामले में, और आपकी 70 या 75 या फिर 80% ऑडियंस रिटेंशन आ गई, तो आपकी वीडियो वायरल भी होगी, और आपके जो सब्सक्राइबर होने वाले हैं वो डेड नहीं होंगे कभी, क्योंकि वो कैटेगरी आपकी होने वाली है। कैटेगरी कैसे आपकी होने वाली है? क्योंकि आपने टेक्निकल योगी मनोज से या फिर कुछ और क्रिएटर्स के फॉलोअर्स को फॉलो किया है, क्योंकि वो भी एक क्रिएटर है, वो भी सीखना चाहते हैं कि यूट्यूब से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो भाई आप भी तो उस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, और आपने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पहले आपको बताया था आपको कंटेंट क्यों बनाना है। उनका जो 15 दिन पहले उनकी वायरल वीडियो हुई थी, भाई उनका कंटेंट इसलिए बनाना है आपने, क्योंकि उनका कंटेंट क्यों बनाना है, जैसे उनके व्यूज़ ज़्यादा आए हैं उस कंटेंट पे, तो भाई जब वो वीडियो अपलोड होगी ना, तो वही वीडियो का टाइटल, थंबनेल और बढ़िया बनाया होगा आपने, वो अलग होगा, और उसे पता लगेगा कि भाई ये चीज़ तो मैं खोज रहा था, मैंने टेक्निकल योगी की वीडियो भी देखी थी, एक बार भाई की भी वीडियो देख लेते हैं। तो आपकी वो वीडियो देखेगी अगर आपका वीडियो कंटेंट अच्छा होगा, तो भाई आपकी ऑडियंस अटेंशन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो संदीप पुल्लर यूट्यूब चैनल पर भी अब अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। तो सब कुछ यही ट्रिक्स मैं अप्लाई करता हूँ भाई, अगर आप भाई भरोसा करते हो तो देख लीजिए, करके ट्राई करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ एक महीना आपने बहुत सारी वीडियोस देख अपलोड ही की है, एक साल आपने वेस्ट ही किया है, एक महीना मेरे कहने पे इस तरह से करिए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ मिलकर ग्रोथ करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।